हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर आप लोगों के साथ एक फिर नए वीडियो में। चलिए, अब हम लोग एक जीएस ज्योग्राफी का आज एक नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें मिलते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे रिलीफ एंड लैंड और लैंड फॉर्म ऑफ थर्ड ऑर्डर, यानी कि तृतीय क्रम का जो उच्चावच है वो, यहाँ पर जो स्थलाकृति है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको तृतीय क्रम का जो उच्चावच है उसको बनाने में जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट और उससे जो बनने वाले जो है लैंड फॉर्म्स उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो उसको बनाने में जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है वेदरिंग, जो प्रक्रम है उसके लिए वेदरिंग, मास मोमेंट एंड ग्राउंड वाटर। और फिर इसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक होगा, हम लोग पढ़ेंगे उसका लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर, लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन द्वारा बना हुआ जो है ये लैंड फॉर्म्स, एरिड और डेजर्ट लैंड फॉर्म, लाइमस्टोन और चॉक लैंड फॉर्म्स, लेक्स, कोस्टल लैंड फॉर्म्स, आइसलैंड और कोरल रीफ्स। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक नंबर की। आज इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वेदरिंग, मास मोमेंट एंड ग्राउंड वाटर। इससे इसके आधार पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो थर्ड ऑर्डर का जो रिलीफ है इसको बनाने में काफ़ी योगदान है। तो इसके द्वारा क्या क्या बनता है, किस तरह की इसमें घटनाएँ देखी जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं आज सबसे पहले इसमें वेदरिंग, मास मोमेंट और ग्राउंड वाटर की। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे वेदरिंग, मास मोमेंट और एंड ग्राउंड वाटर, ये तीन चीज़ें हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो जियोलॉजिकली एंडोजेनिक फोर्स से और एक्सोजेनिक फोर्स से, ये दोनों जो चीज़ें हैं इससे वो उसमें चेंजेस होते रहता है, चाहे वो ऑर्जेनिक फोर्स हो या फिर वो अपलिफ्टमेंट हो, किसी भी तरह का अपलिफ्टमेंट हो, या फिर जो बाहर से जो हो रहा है, बाहर से जो अंदर, मतलब कह सकते हैं इसको क्या, उसके बाद एंडोजेनिक जो एक्सोजेनिक फोर्स है, एक्सोजेनिक फोर्स से जो है उसके द्वारा इसको परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, जो कि आंतरिक बल हैं वो इसके जो उच्चावच में वृद्धि करते हैं, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है उसको ऊंचा बनाते हैं, चाहे वो अपलिफ्टमेंट के जरिए हो या फिर पर्वत निर्माण के जरिए हो या फिर ज्वालामुखी उद्गार से हो, इसमें परिवर्तन करते हैं, इनमें एक वृद्धि होती है, इसकी उच्चावच रिलीफ में वृद्धि होती है। जबकि वहीं जब एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, ये इन्हें काफ़ी तेज़ी से काटते छाँटते रहती है, और काट छाँट कर इनको एक बराबर एक समतल भूमि बनाने की कोशिश करते रहती है। तो इसमें चलिए पहला बात करते हैं वेदरिंग की। वेदरिंग इज नोन एज अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रेकिंग अप। देर आर टू टाइप्स ऑफ, जैसे दो तरह के वेदरिंग होता है। जैसे कि देख सकते हैं, वेदरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि नेचुरल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा चट्टानों का टूट फूट होता है। वेदरिंग यानी कि इसको हिंदी में इसको अपक्षय भी बोलते हैं, अपक्षय। तो ये दो तरह का होता है, एक रासायनिक और दूसरा भौतिक। तो आप देख सकते हैं वेदरिंग इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप चट्टाने जैसे ये टूट रही है, ये कोई पहाड़ का एक सिरा मालूम पड़ रहा है जो कि टूट फूट से देख रही है। और दूसरा फिर ये देख सकते हैं आप, जो ये यहाँ पर ये जो सॉलिड, जो कि मजबूत, ज़्यादा मजबूत चट्टान है वो अभी भी खड़ी है, लेकिन जो वहाँ पर जो चट्टान सॉफ्ट थी, अपेक्षाकृत जो नरम थी, वो बहकर कट कर बह चुकी है, और यहाँ पर एक इस तरह का। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग, केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग यानी कि ये केमिकल वेदरिंग, जैसे देखते, केमिकल वेदरिंग इज अ बेसिक प्रोसेस बाय विच द डिनुडेशन प्रोसीड्स। जो अपरदन जो होता है, अपक्षय जो होता है, वो इसके द्वारा होने में इसका काफ़ी मददगार होता है ये, लेकिन काफ़ी धीमा होता है और धीमी गति से। जैसे कि चलिए बात करते हैं, जैसे कि पानी है, पानी का अपना एक रासायनिक गुण होता है, वो अत्यधिक अम्ल के साथ एक क्षारीय व्यवहार करता है, और अत्यधिक जो क्षारीय धातु वस्तु है उसके साथ एक अम्लीय व्यवहार करता है। तो इस प्रकार जो भी पृथ्वी पर जो भी पदार्थ हैं, जो चट्टान हैं, या तो वो अम्लीय हैं या क्षारीय हैं, और उसके साथ और जो वायु में जो कार्बन और उसके रिलेटेड उससे कार्बन और नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं या फिर ऑक्साइड्स हैं, वो उनके साथ मिलकर एक अम्ल का निर्माण करता है। और यहाँ पर यदि शुद्ध जल हो तो वो भी, और या फिर जो प्रदूषित जल है वो भी चट्टानों के अपरदन में एक रासायनिक क्रिया के द्वारा इनको घोलने में, और चट्टानों को या फिर उसके कुछ पार्टिकल्स को, कुछ कणों को अपने में घोल लेती है, और इसके एक आप
उसको बहा ले जाती है, और इस प्रकार यह एक रासायनिक अपक्षयन, जिसको रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग कहते हैं। केमिकल वेदरिंग के बाद लगभग कुछ ऐसी स्थलाकृति का निर्माण होता है जो नीचे देख सकते हैं आप, ये घुल कर या कट कर घुल घुल कर ये बह गई है। तो इसमें तीन तरह का केमिकल वेदरिंग में तीन तरह का, एक सॉल्यूशन है, ऑक्सीडेशन और डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड। सॉल्यूशन में से जैसे मैंने कहा कि घुल जाते हैं, जो कि अम्लीय या क्षारीय होकर बाकी जो वहाँ की जो उसे मेटलिक या फिर धातुवी जो कि यौगिक है या फिर अलॉय है, उनको आप उसमें घोल लेती हैं और उसके साथ वो पानी के साथ बह जाती है। फिर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे कि जंग लोहे का जंग होता है। कभी आपने गौर किया होगा जब आप नदियों में जाएं तो उसमें जहां बालू की मात्रा अधिक हो, आपको झारखंड की नदियों में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिल्कुल छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे दाने बिल्कुल गोल होते हैं और वो ब्राउनिस या ब्लैक देखने को मिलेंगे आपको, काला या फिर वो ब्राउन कलर का। अब जब इसको देखेंगे, इसको गौर करें, और वो एक आयरन का ही ऑक्साइड है, आयरन या फिर अलग अलग तरह का आयरन ही है, बेसिकली सब आयरन या कॉपर है, और वो एक तरह का रस्टिंग से वो उस तरह का कलर एक लेयर बना लेता है और उस रूप में आता है। तो देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ रॉक्स कंटेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ आयरन विच कैन कम्स इन टू कॉन्टेक्ट विद एयर चेंज इन आयरन ऑक्साइड। अब इसको देख पढ़ लें एक बार इसको, तो रस्टिंग या इस तरह का हो सकता है, ऑक्सीडेशन के द्वारा द्वारा ही इस तरह की ऐसी ही बन सकती, ऐसी इस प्रकार की बनेगी ये, ऐसा कहना सही नहीं होगा कि ये रस्टिंग से ही बना है, क्योंकि ये समुद्र किनारे हैं या पर ये समुद्री पानी में घुल कर भी हो सकता है, सॉल्यूशन द्वारा भी बन सकता है, बट रस्टिंग के द्वारा भी ऐसी बन सकती है। अब है डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड्स। अब जैसे बताए ऑर्गेनिक एसिड जो जीव है, ऑर्गेनिक एसिड, एक तो ऑर्गेनिक एसिड के बारे में जैसे बता सकते हैं जो कि कार्बन या नाइट्रोजन से, कार्बन और नाइट्रोजन के संयोग से जो अम्ल बनते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। तो अब चलिए फिर देखते हैं फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग इज अ फिजिकल डिस इंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय एक्चुअल प्राइसिंग अ पार्ट ऑफ सेपरेट पार्टिकल्स। दिस कैन हैपन विथ कंप्लीटली फ्रेश रॉक, बट द प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग आर एबल टू वर्क मोर इजियर वेन द सर्फेस ऑफ रॉक हैज ऑलरेडी बीन वीकेंड बाय एक्शन ऑफ केमिकल वेदरिंग। जब किसी भी चट्टान का जो सतह है केमिकल वेदरिंग से या ये रासायनिक अपक्षयन द्वारा टूट फूट कर एक कमजोर हो गया हो, तो फिजिकल वेदरिंग काफ़ी अच्छे से, जो कि ये भौतिक अपरदन काफ़ी अच्छे से काम करता है उस पर। तो यहाँ देखते हैं इस तरह का कुछ फिजिकल वेदरिंग, देख इसमें फोर वेज ऑफ फिजिकल वेदरिंग आर डिस्कस्ड बिलो। जैसे रिपीटेड टेम्परेचर चेंज, बार बार तापमान में बदलाव। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये एक चट्टान है, अब बाहर का तापमान अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया, तो ऊपरी जो परत है नीचे की अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से गर्म होगा, और ये गर्म होगा, और जबकि नीचे का जो अंदरूनी भाग है इसका, ये अप इसका तापमान अपरिवर्तित रहेगा। वहीं जब रात का समय आएगा तो, और ये धीरे धीरे गर्म होगा, इसकी अपरिवर्तित तो नहीं होगा, इसकी अपेक्षा काफ़ी धीरे धीरे गर्म होगा। वहीं जब रात का समय आएगा तो तापमान गिरने की वजह से ये ऊपरी जो खोल है ये काफ़ी तेज़ी से, ऊपरी जो सेल है वो काफ़ी तेज़ी से फिर ठंडा हो जाएगा, जबकि वहीं अंदर का तापमान इसकी अपेक्षा अधिक होगा, और ये प्रक्रिया अनवरत दिन सातों दिन 24/7 चलता रहेगा, और इसी तरह ये एक लेयर बाय लेयर टूटने लगता है, फटने लगता है, जिसे ऑनियन पीलिंग या एक्सफॉइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल प्याज के छिलके की तरह ये अलग अलग होते, परत दर परत अलग होने लगता है। आप इसे जहाँ पर मिट्टी में आयरन या फिर बहुत जगह आप देख सकते हैं, इसको पठारी क्षेत्रों में लगभग ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी आपको, जमीन से नीचे से एक ऐसा परतदार चट्टाने बाहर आती है जो कि गोल होंगी, अंदर एक गुठली जैसी संरचना दिखेगी और बाहर वो पूरा एक लेयर। यदि इसको इस पिक्चर को यदि आप गौर से देखें तो ये यहाँ पर समझ सकते हैं बिल्कुल लेयर है, और उसका एक बेहतर उदाहरण यहाँ पर भी देख सकते हैं ये, और इसका जो एक एक्सफाइलेशन बोलते हैं। व्हेन सरफेस लेयर्स ऑफ राउंड बोल्डर्स ग्रेजुअली स्प्लिट ऑफ, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑनियन पीलिंग, बिकॉज द वेरियस लेयर्स लुक लाइक अ लेयर्स ऑफ ऑनियन पील्ड ऑफ
one after another. Technically this process is called exfoliation. तो समझ सकते हैं इसको, बार बार इसका जो गर्म होकर इसका परत दर परत इसका उतरते जाता है, और इसलिए इसको बिल्कुल ये प्याज की तरह, इसलिए इसको ऑनियन पिलिंग, प्याज के छिल कर जैसे समझना कहा जाता है। रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग। अब जैसे सागर तट पर या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ बार बार ज्वार भाटा या फिर इस तरह की लहरें आती हैं, बार बार भीगता और उसकी वजह से भी ये हो सकता है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ने से होता है, घटने और बढ़ने से, उसी प्रकार ये बार बार भीगने और सूखने की वजह से भी कुछ इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, और ये भी एक तरह का। और फिर नेक्स्ट है हमारा फ्रॉस्ट एक्शन इन द टेम्परेट लैटिट्यूड्स। फ्रॉस्ट इज अ पोटेंट रॉक ब्रेकर। ये बिल्कुल एक छेनी की तरह काम करता है, चलिए इसको यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। अब ये जो एक चित्र है, ये जो फोटो है, एक इमेजिन कीजिए जब ये चट्टान यहाँ तक फटा हुआ था, इसमें किसी कारण से पानी आ गया ओस की बूंदों द्वारा या फिर बारिश से, और जब रात में या फिर जब तापमान गिरा तो ये पानी जम गया, और जमते जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बर्फ़ का जो घनत्व है पानी की अपेक्षा कम होता है, इसलिए इसका जो वॉल्यूम है, जो टोटल जो इसका आयतन होगा वो पानी के आयतन से अधिक होगा। जैसे इसका आयतन बढ़ेगा और ये पत्थरों पर एक जोर लगाएगा, एक फोर्स जनरेट करेगा, और इसी प्रकार जैसे ये फोर्स जनरेट करेगा और ये बिल्कुल एक छेनी की तरह काम करेगा, और ये पत्थर को नीचे धीरे धीरे फाड़ता जाएगा और कुछ ऐसी या ऐसी स्थलाकृति का निर्माण करेगा। और फिर है कुछ बायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स, छोटे जीव जो लाइकेंस मॉस वगैरह जो उगाते हैं चट्टानों पर, ये या फिर सेवाल वगैरह है, या फिर जो चिड़ियों के बीट से जो कुछ पौधे तैयार हो जाते हैं, अक्सर देखते होंगे आप दीवारों पर ऐसे छोटे 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 मोटे पौधे होते हैं, बस वैसे ही वैसे ही पौधे जब चट्टानों पर उगाते हैं फिर उनको तोड़ने में उसको तोड़ दिया जाता है और उसको कमज़ोर कर दिया जाता है, उसको टूट फूट में काफ़ी मदद करते हैं, वो एक इरोजन को बढ़ाते हैं। और एक इंसानों द्वारा भी ये सब किया जाता है, जैसे अब रोड कंस्ट्रक्शन हो, खेती हो, या फिर सड़क बनाने में, रेलवे लाइन, बहुत सड़क नहर बना रहे हो, तो इसमें भी इरोजन ये जो है हमारा वेदरिंग के प्रोसेस को हम लोग भी काफ़ी इसमें मदद योगदान रहता है इंसानों का। अब है मास मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल डाउन अ स्लोप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज मास मूवमेंट। तो होता यह है कि वेदर्ड मटेरियल जो कि वेदरिंग हो चुका है फिजिकली और केमिकली, अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन, जब वो एक जगह से दूसरे जगह या फिर ऊंचाई से नीचे की ओर बढ़ेगा, खिसकेगा, तो इसे एक मास मोमेंट कहा जाता है। इसके तीन रूप हैं, तो पहला देखते हैं सॉयल क्रिपिंग, सॉयल फ्लो या सॉलिफिकेशन, इसको सॉयल क्रिप या फिर इसको मृदा प्रवाह, और इसको सॉयल फ्लो, इसको पंक प्रवाह भी बोलते हैं, और एक लैंडस्लाइड, भूस्खलन। मृदा प्रवाह, पंक प्रवाह और भूस्खलन। तो पहले सॉयल क्रिपिंग, अब देख सकते हैं इसको, ये सॉयल क्रिपिंग ऐसे चट्टान देख इसको, अब चलिए इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये चार फोटो इसके बारे में दिए गए हैं इन तीनों के लिए। ये मृदा प्रवाह है, ये लैंडस्लाइड है, ये पंक प्रवाह, लैंडस्लाइड और ये मृदा प्रवाह, सॉयल क्रिपिंग, लैंडस्लाइड और मड फ्लो। सॉयल क्रिप, ये दिस इज स्लो, ये काफ़ी एक स्लो और कंटिन्यूस प्रक्रिया है, ये निरंतर होते रहने वाली होने वाली प्रक्रिया है, एक दिन में ये नहीं होता। इसमें आप ये चित्र देख सकते हैं, जब ये चीज़ें, ये जो खंभे लगाए गए होंगे ये सीधे रहे होंगे, पेड़ पौधे आप देख सकते हैं नीचे की ओर झुके हुए हैं, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन धीरे धीरे नीचे की, आप ये देख रहे हैं चट्टान की जो जड़ें हैं यहाँ की, यहाँ जो नीचे धसा हुआ ये बिल्कुल सीधी है, लेकिन यहाँ आते हुए मुड़ जा रही है। यहाँ जब काटा गया, इसको रास्ता बनाया गया और ये यहाँ से इसमें एक गति उत्पन्न हुई इस नीचे की ओर, और ये इस प्रकार की एक गति होती है जिसे सॉयल क्रिपिंग या सॉयल क्रीप बोलते हैं, खिसकना, जमीन के नीचे की क्रीप माने खिसकना, नीचे की ओर खिसक रहा है, खिसक रही है ये, और इस प्रकार ये पेड़ पौधे झुक रहे हैं, बिजली के खंभे भी झुके हुए लगते हैं, और ये बार बार यहाँ पर सड़क को अवरुद्ध भी करते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं सॉयल फ्लो। सॉयल फ्लो एक्चुअली ये एक ऐसे क्षेत्रों में जो कि पहाड़ी क्षेत्र जो कि जो अनच्छादित है वृक्षों से, जहाँ की वृक्षों का वृक्षाच्छादन कम है, वृक्षों का जो
डेंसिटी बहुत कम है या फिर वनस्पतियों की, ये एक्चुअली बेसिकली होता है, बेसिकली ये जो आइस कैप्ड है, जब वो जब ठंड में वो काफ़ी, अब जब बर्फ़ के नीचे पूरा जमा होता है तो, लेकिन वो पानी से वो बर्फ़ से सैचुरेटेड हो जाता है वहाँ की मिट्टी, और वो पहाड़ी ढलान पर जैसे ही बर्फ़ पिघलता है, पिघल जाने के बाद वो कीचड़ के रूप में उन काफ़ी तेज़ी से नीचे फैलने लगता है, और एक कीचड़ का नदी जैसा है, कीचड़ का प्रवाह होने लगता है। इसे मड फ्लो या सॉयल फ्लो कहा जाता है, इसे बॉग ब्रस्ट भी कहते हैं। अब है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड ये काफ़ी त्रासद घटनाएं होती हैं, जिसका भारत में उत्तराखंड इसके लिए बहुत ही मतलब लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है इसका उत्तराखंड। जैसे कि हम सभी जानते हैं 2013 में भारी मात्रा में यहाँ लैंडस्लाइड आए थे, एक फ्लैश फ्लड और काफ़ी तेज़ बारिश हुई, जिसके कारण यहाँ पर भारी मात्रा में लैंडस्लाइड्स हुए और बहुत हज़ारों की संख्या में लोगों की जाने गई। लैंडस्लाइड एक्चुअली होता यह है, आप देख सकते हैं इस क्षेत्र को, ये एक पहाड़ी नुमा जगह है और ये बिल्कुल मिट्टी है, ये एक अनावृत है, अनावृत क्षेत्र है जहाँ पर के पेड़ पौधे बहुत कम हैं, तो और गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक भारी मात्रा में चट्टान है, मिट्टी खिसक कर टूट कर जमीन की ओर गिर जाती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक पहले ही इसमें देख सकते हैं, ये इसके नीचे जब कटान से रोड बना दिया गया और ऊंचे एक लटकता हुआ चट्टान है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है और ऐसे गिर ही जाता है, ये इसे ही लैंडस्लाइड बोलते हैं। भूस्खलन, ये भी एक मास मूवमेंट का है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड वाटर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे जो पानी है, जमीन के नीचे यानी जो हमारी जो मिट्टी में जो मिट्टी का जो लेयर है उसमें जो पानी, उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। जब ये सबसे पहले इसको वाटर साइकिल को देख लेते हैं, द होल प्रोसेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन लैंड सी एंड एटमोसफेयर इज नोन एज हाइड्रोसाइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द अर्थ, जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती है तो वो कई भागों में वो बट जाता है। एक तो होता है कि बहुत बड़ा हिस्सा वाष्पित हो जाता है, और उससे भी बड़ा हिस्सा, सबसे पहले कि जो सबसे अधिक हिस्सा जो कि बह जाता है नदियों नालों द्वारा, बहकर फिर समुद्र में चला जाता है। उसके बाद होता है कि जो दरार है मिट्टी में या फिर पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं उनके द्वारा, उनके माध्यम से वो रिस कर जमीन के नीचे चली जाती है, और सबसे कम मात्रा में तो जो कि वाष्पित हो जाती है। तो ये जो जमीन के नीचे चली जाती है और धीरे धीरे वो एक सतह तक आ जाती है इस क्षेत्र को, एक और इस पूरे जो पानी जो कि जमीन के नीचे जाके स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है चट्टानों में, उसे ग्राउंड व अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो इससे बहुत तरह की आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे आप पहाड़ी तालाब है, नदियां हैं, छोटे झरने हैं। चलिए इसको अब हम देखते हैं थोड़ा सा। तो चलिए अब हम एक ग्राफिक्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ग्राउंड वाटर को। एक्चुअली जब हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो ये जब बारिश की बूंदें यहाँ पर पड़ती हैं तो इन क्षेत्रों में, तो यहाँ ऐसे ये जब नीचे की ओर खिसकती है तो ये इसमें कुछ छेदों से या फिर जो रंग हैं या इसमें जो दरारें हैं, दरारों से पानी नीचे जाता है और ये धीरे धीरे एक लेयर बनाता है यूं, या ये फिर ये एक ऐसा आप देख सकते हैं कि ये पानी का एक लेयर लेयर बनाएगा। और चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयर यहाँ ये है, यहाँ तक भी है, यहाँ पर भी जमीन, और ये पानी रिस कर इन क्षेत्रों में जमा हो जाता है, जो कि आगे चलकर ये तालाब नदी या झील का एक रूप ले लेता है यहाँ पर। और ये एक ये है ग्राउंड वाटर, ये यहाँ पर एक लेक यानी कि एक झील जैसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है, ये लेक लेक बन जाता है यहाँ पर। और फिर इस पानी का अलग अलग ग्राउंड वाटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फिर चलिए आप आगे, तो आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर जो बारिश का पानी के ग्राफिक्स में समझे, और फिर आगे भी हम इसको देख सकते हैं, ये पेड़ों के पेड़ हैं या फिर ये खुला जमीन है, ये जमीन के नीचे जाता है और फिर यहाँ पर फिर समय के साथ ये सूख भी जाता है। और अंडरग्राउंड वाटर की संरचना कुछ ऐसा भी हो सकता है, गीजर वेंट जैसे आकृति, जो येलोस्टोन पार्क के बारे में यदि आप पढ़ेंगे मैप में, जब मैप को डिस्कस करेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, गीजर वगैरह।
कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग। तो अब है नेक्स्ट हमारा स्प्रिंग एंड वेल्स, झरने एवं कुएं। तो होता है जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्प्रिंग, झरने किसे कहते हैं, झरना क्या है आखिर। द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड इन द रॉक रिलीज ऑन टू द सर्फेस एट द पॉइंट्स वेयर द वाटर टेबल रीचेज द सर्फेस, ए स्प्रिंग इज सिंपली एन आउटलेट ऑफ द सच वाटर। तो होता यह है कि जो अंडरग्राउंड जो पानी जो है जमीन के नीचे स्टोर होता जाता है, जमा होता जाता है, और वो धीरे धीरे वो जो जमीन का जो ऊपरी सतह है सतह तक पहुँचने लगता है। कुछ कुछ जगह पर ये पानी सतह पर आ जाता है और वहाँ से बहने लगता है, ऐसे ही जगहों को झरना कहते हैं। आपने बहुत सारे झरने देखे होंगे, तो ये अलग अलग तरह के झरने हैं यहाँ पर। चलिए हम इन झरनों को हम बात करते हैं। तो पहला है हम जो चार प्रकार के झरने होते हैं, जो एक होता है कि द एरियाज ऑफ टिल्टेड स्ट्राटा व्हेन परमेबल एंड इम्परमेबल रॉक्स अल्टरनेट इमर्ज एट द बेस ऑफ परमेबल लेयर्स। अब देखिए इस तरह का है, मान लें कि ये इम्परमेबल है और ये परमेबल है, इस प्रकार के पारगम्य और अपारगम्य चट्टानों का एक लेयर है। अब यहाँ से बारिश हो रहा है इस क्षेत्र में, और बारिश की वजह से यहाँ पानी इसमें जमा होता जा रहा है इसकी चट्टानों में। लेकिन आगे की ओर जहाँ पर भी ये खुलेगा, ये खुला जगह इसको जहाँ मिलेगा वहाँ पर पानी से इसका, यहाँ से इसका पानी बहने लगेगा और ये एक झरना झरने का निर्माण करेगा। अब दूसरा है वेल ज्वाइंट रॉक वाटर में परकुलेट डाउनवर्ड्स अंटिल रीच द ज्वाइंट इमर्ज एट द सर्फेस। अब इसमें होता है कि काफ़ी ज्वाइंट होता है, ज्वाइंटेड रॉक्स होते हैं। चलिए इसको अब एक डायग्राम ग्राफिक्स के, तो चलिए अब देखते हैं इसको ग्राफिक्स से। एक झरना है जिसमें कि एक वेल इन वेल ज्वाइंट रॉक वाटर में परकुलेट डाउनवर्ड्स अंटिल इट रीच द ज्वाइंट विथ इमर्ज एट द सर्फेस। जो ऐसे कुछ ज्वाइंट्स होंगे इसमें, अब मान के चलते हैं ये इस तरह का, इसको एक ग्राफ बना लें। ये ज्वाइंट हैं, अब यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट हो सकते हैं इस प्रकार के। तो ये होगा ये जब इस तरह के ज्वाइंट्स होंगे चट्टानों में, तो बारिश का जो पानी इधर से कहीं से जमा हो रहा है इसमें स्टोर्ड है, वो यहाँ पर जैसे ही, क्योंकि ये यहाँ पर सरफेस सतह तक पहुँचने में टाइम लगेगा, तो ये पानी यहीं से ये निकलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से निकलते पहले यहाँ से निकलेगा, फिर धीरे 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 फिर नीचे तक आएगा, और ये एक पहाड़ी से एक गिरता हुआ झरना सा प्रतीत होगा ये। और ऐसा स्प्रे मतलब ये एक ज्वाइंटेड रॉक्स जो होते हैं उसके द्वारा, ज्वाइंट रॉक्स देख सकते हैं आप, एक सर कई बार रॉक चट्टाने हैं परत दर परत हैं, और यहाँ पर ये झरने का निर्माण होगा। ये ज्वाइंट फिशर से, और इसे वाटर टेबल यूं कुछ, एक वाटर टेबल इस तरह का बनाएगा ये होगा इस तरह का, और यहाँ पर आके ये गिरने लगेगा और यहाँ से बिल्कुल एक झरने की तरह इसको दिखेंगे जब पहाड़ से उतरता हुआ पानी दिखेगा ये। चलिए नेक्स्ट देख, तो अब देखते हैं हम, ये जो हमारा ये चौक लाइमस्टोन है, ये इन लाइमस्टोन और चौक एक्सक्रमेंट्स, जो कि लाइमस्टोन या चौक का जो चट्टान है, वो चूना पत्थर की जो चट्टान है, वहाँ पर जो झरने निकलते हैं। इन लाइमस्टोन और चौक एक्सक्रमेंट्स वेयर द परमेबल रॉक्स लाइज बिटवीन द इम्परमेबल स्ट्राटा द वाटर इशूज एट द फुट ऑफ द स्क्रैप और स्क्रैप फुट स्प्रिंग और नियर द फुट ऑफ डीप स्लोप राइजिंग। ये जमीन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे से यदि चट्टानें आएंगी, नीचे से यदि जल इसमें स्टोर होगा जल की मात्रा, तो यहाँ पर ये जैसे कि ये ऊंचाई है, यहाँ पहाड़ी देख सकते हैं इसको, ये इस तरह से जमीन का जो फुट है, जो तली है, यहाँ से ये जल का निकास शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आप हम देख सकते हैं इसका इमरजेंसी, ये झरना एक रिसाव के जैसा देखने को मिलेगा इसमें। फिर है अब नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं वेयर द डाइक और सिल, आप इसको एक, चलिए इसको भी एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे। वेयर अ डाइक सिल और एक इम्परमेबल रॉक इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द परमेबल रॉक्स इट काउज द वाटर टेबल टू रीच सरफेस एंड द वाटर इशूज एज अ स्प्रिंग। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। चलिए अब हम बात करते हैं एक डाइक वाले ऐसे स्प्रिंग की, ऐसे झरने की जहाँ पर डाइक हो, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं अब एक ये डाइक है और इसके नीचे एक इम्परमेबल चट्टान है, यहाँ पर देख सकते हैं ये
ये एक और पारेगम में चट्टान है। इम्परमेबल रॉक है ये। और यहाँ पर ये एक डाइक है, और यहाँ पर इसका जो आवरण है ये मिट्टी का या फिर मृदा का, ये कुछ ऐसा है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसका जो पानी का जो लेयर होगा, पानी का लेयर कुछ यूं ऐसा हो सकता है, और फिर यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा नीचे की ओर। तो अब यहाँ होगा ये, अब पानी का लेयर चूंकि यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा, ये डाइक है, डाइक को काट नहीं पाएगा, और डाइक के ऊपर से पानी, डाइक आप जैसे कि हम लोगों ने इसके डाइक को पढ़ा था नीचे, जब हम डाइक जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, तो जब ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक जो स्थलाकृतियों का जो आंतरिक जो संरचनाएं थी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, उसमें जब पढ़ रहे थे हमने डाइक को पढ़ा था। डाइक एक काफ़ी कठोर संरचना होती है, तो इसके ऊपर से ये पानी ऊपर से इसका निकास होता रहेगा, और ये एक झरने का रूप लेगी, और ये कुछ इस तरह से इधर से और फिर नीचे कटाव कटाव के कर देगी, और फिर ये ऊपर से पानी ये गिरता हुआ प्रतीत होगा, ये जलप्रपात का भी निर्माण करेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट जो पांचवा हमारा जो ये है, ये झरना है, ये स्प्रिंग का जो उदाहरण दिया है, इट इन कास्ट रीजन रिवर्स वैन डिजपियर अंडरग्राउंड देन दे देन फ्लो थ्रू अ पैसेज वॉर्न इन द रॉक बाय द सॉल्यूशन एंड मे इमर्ज वैन लाइमस्टोन गिव्स प्लेस। अब होता है कि अंधी चूना निर्मित जो चूना जो मैदान होते हैं, चूना निर्मित जो स्थलाकृति है, चूना क्षेत्र में नदियाँ अक्सर विलुप्त हो जाती हैं। नदियाँ विलुप्त ऐसे होती कि चलते चलते उसे एक गहरी गुफा में कहीं वो विलीन हो जाती है, और फिर वो गुफाएं और जमीन जमीन में वो काफ़ी छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है, और वो चूना की चट्टानें जहाँ उसे रास्ता देती है वो नदियाँ बाहर निकलती हैं एक अलग अलग झरने के रूप में। आप ये इसे चूना चूना क्षेत्र में आप इसको देख सकते हैं, जो चूना चूना द्वारा निर्मित जो लाइमस्टोन स्ट्रक जो मैदान है, जहाँ पर जो चूने की चूने आधारित चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती है, वहाँ पर आप ऐसा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कुओं की। तो कुएं की बात करते हैं, तो जो देखते हैं कुआं कुआं आपने हम सब ने देखा है, कुआं जमीन को खोद कर, जमीन में एक गड्ढा करके जमीन को खोद कर जो जमीन में जो पानी स्टोर्ड है, पानी जमा किया होगा, उसे निकालने की एक युक्ति है, और उसे हम एक इसमें होता यह है कि हम एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं, और तब तक खोदते रहते हैं जब तक एक परमानेंट वाटर टेबल नहीं मिल जाए, और उस वाटर टेबल तक छोड़ देते हैं, और वो धीरे धीरे उसमें उससे पानी हाथ से या फिर मशीनों के द्वारा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, एक छिद्र होल नुमा बनाते हैं, इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं पूरा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। और एक और खास किस्म का एक कुआं होता है, जिसे हम आर्टिजियन वेल बोलते हैं, आर्टिजियन वेल यानी कि उत्सृत कूप। ये एक कुछ खास क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि आर्टिजियन वेल जो होते हैं ये जो कुछ खास क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द आर्टिजियन वेल इज ओविंग द नेचर, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लाइमस्टाइन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए लाइमस्टाइन क्षेत्रों में, इसको भी एक डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं आप इसे यहाँ पर, अब होता ये है सॉरी 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 अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक होता यह है कि इस तरह की चट्टानें होती हैं, ये एक अपारगम्य चट्टान है, और ये भी एक अपारगम्य चट्टान है, ये कहीं खुली हुई है यहाँ पर, और ये भी इधर ही कहीं खुली हुई है। निरंतर बारिश की वजह से पानी इसमें भरता जा रहा है, पानी इसमें 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 पानी भरता जा रहा है, और पानी इसमें भरता जा रहा है इसमें, और एक अंडरग्राउंड वाटर इसका स्टोर होता रहता है। और जबकि ये आप देख सकते हैं कि इधर भी वाटर टेबल यहाँ का जो सरफेस है इससे ऊपर है, और इससे नीचे है, और इधर इधर भी इससे ऊपर तक है। वहीं जब हम यहाँ पर एक कुआं खोदने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर एक हम वाटर टेबल तक पहुँचते हैं, तो काफ़ी प्रेशर के साथ एक फव्वारे की तरह पानी ऊपर बाहर निकलने लगता है, और
और इसे हम आर्टिसियन वेल या उत्सुप्त कूप कहते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी अधिक देखने को मिलता है, मैंने इसे खुद भी अपनी आंखों से देखा हुआ है। देवघर, मैं जहाँ से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देवघर, देवघर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है मोहनपुर। वहाँ पर कुछ सालों पहले एक बोरवेल किया गया, तो जिसके जैसे ही वो एक वाटर टेबल तक पहुँचा, वो पानी काफ़ी तेजी से ऊपर की ओर फेंक निकलने लगा। इसके अलावा आप यदि रांची जाएं तो रांची के पास एक रामगढ़ है, छोटा सा जगह, रामगढ़ कैंट भी है वहाँ का, काफ़ी फेमस है वो, आर्मी कैंप है वहाँ का। वहाँ पर एक छोटा मंदिर है जिसको टोंटी झरना का मंदिर कहते हैं, वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये है कि वहाँ पर जो हैंडपम्प जो बोर किए गए हैं उससे पानी ऑटोमेटिकली हमेशा वो निकलता रहता है। तो ये था हमारा जो आज आज का हमारा एपिसोड, तो चलिए और फिर हम इसमें बात करते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने वेदरिंग मास मोमेंट और वेदरिंग मास मोमेंट और ग्राउंड वाटर के बारे में हम लोग हल्का फुल्का डिस्कस किए। चलिए अब आगे हम इसके बारे में, इस पर हम नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो होगा हमारा अब जो थर्ड ले जो हमारा जो थर्ड ऑर्डर का जो रिलीफ है उसमें हम बात करेंगे। लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर, जो वाहित जल या बहते जल द्वारा जो निर्मित जो स्थलाकृति है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।